मोर्चे पर ही नहीं, युद्ध के मैदान में भी चीन को हराने की भारत की तैयारी पूरी है। अगर चीन के साथ जंग जैसे हालात पैदा होते हैं तो उसका नतीजा सेना की तैयारियों पर निर्भर करता है। इस मोर्चे पर भारतीय सेना 21 है। सेना को सेंटर से ऑर्डर, फ्रेश ऑर्डर मिल गया है। एलएसी पर पत्थर का जवाब पत्थर से देना है या गोली चलानी है, इसका फैसला अब दिल्ली से नहीं बल्कि ऑन द स्पॉट होगा। मोदी सरकार ने सेना के लोकल कमांडर्स को खुली छूट दी है कि अगर चीन कोई भी हिमाकत करे तो उसका जवाब ताकत से दिया जाए। इसी बीच ग्राउंड पर भी तैयारियां जबरदस्त हैं। लद्दाख में मौजूद है हमारे संवाददाता, जिन्होंने वहां से ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है, देखिए। को फोर्स के दम नहीं पाकिस्तान को बेदम कर दिया था, वही बोफोर्स तो फिर से फ्रंट लाइन पर भेजी गई। जब से बोफोर्स की ये तस्वीरें सामने आई हैं, भारत के दुश्मनों का दिल बैठने लगा है। चाइनीज डिजाइन पर तो जैसे बोफोर्स का गोला ही फट पड़ा है। देश के दुश्मनों पर दूसरा गोला दिल्ली में फूटा। रक्षा मंत्री ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ मीटिंग की। इस टॉप लेवल मीटिंग के बाद जो खबर छन कर आई वो बहुत बड़ी है। एक लाइन में कहें तो भारत सरकार ने लद्दाख में चीन से लगती एलएसी पर रूल ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर दिया है। भारतीय सेना को खुली छूट दी गई है। चीन के साथ पुराने सारे समझौते किनारे कर दिए गए हैं। बॉर्डर पर अब सेना को गोली चलाने की भी छूट होगी, जिसका फैसला लोकल कमांडर कर सकेंगे। सेना के टॉप कमांडर्स को मोदी सरकार का ऑर्डर है कि चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। जल में, थल में और नभ में चीन की किसी भी हिमाकत पर अब पहले गोली चलेगी, फिर कोई बात होगी। रूल ऑफ एंगेजमेंट चेंज करने का पहला इशारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। चीन के साथ लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी डीफैक्टो बॉर्डर लाइन है। 15 और 16 जून की दरमियानी रात में गलवान घाटी में जब चीन के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प हो रही थी, तब उनके हाथ संधियों से बंधे थे, मगर उनको बता दिया गया है कि चीन के साथ सख्ती से निपटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश को भरोसा दिया, औपचारिक तौर पर रूस जाने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तीनों सर्विस चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बता दिया।
अगर चाइनीज पीएलए कोई भी हिमाकत करती है तो लोकल कमांडर पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। अगर चाइनीज पीएलए पत्थरबाजी या फिर कटीलों डंडों का इस्तेमाल करते हुए या फिर सीमेंटेड रॉड का इस्तेमाल करती है तो लोकल कमांडर के पास पूरी छूट होगी कि वो स्थिति के अनुसार उस पर कार्रवाई करे, यहां तक कि चाहे वो पत्थरबाजी का जवाब हो या फिर वेपन को चलाने का। पूरी तरह से छूट भारतीय सेना के सभी जवानों और ऑफिसर्स को ऑन ग्राउंड लोकेशंस पर चाइनीज पीएलए को कंट्रोल करने के लिए दी गई है। लद्दाख के आसमान में पिछले कुछ दिनों से भारतीय लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट इसी तरह सुनाई दे रही है। एक फाइटर के रनवे पर उतरने से पहले ही दूसरा फाइटर टेक ऑफ कर जाता है। अब देख सकते हैं कि लद्दाख के आसमान में रोजाना की तरह MiG-29 लगातार उड़ान भरे जा रहे हैं। आपको बता दें कि 17 तारीख के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि लद्दाख के जो पूरा आसमान में रोज हर देखते हैं कि एयरफोर्स के जो विमान है इसी तरह से निगरानी कर रहे हैं। MiG-29 आपको बता दें रशियन ओरिजिन का विमान है, ट्विन इंजन इसमें लगा होता है और इसको अगर सुखोई से अगर आप तुलना करेंगे तो सुखोई ज्यादा भारी है, ये कम भारी है, यानी कि इसका वजन कम है, जिस वजह से ये तेजी से किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में उड़ान भर सकता है। यानी ले जैसे 11,000 फीट की ऊंचाई पे जो एयरबेस है बहुत होता है, वहां पर ये विमान बहुत तेजी से अपने फुल कैपेसिटी के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। कि फिर से ये विमान यहाँ पर सॉर्टी करता हुआ देखिए, एक और MiG-29 देखिए, MiG-29 विमान एक और यहाँ ले बेस से आसमान की ओर जाता हुआ। यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एयरफोर्स जो एडवांटेज में है चीन से, यहाँ पर बड़ी तादाद में उनको हमारे फाइटर्स को तैनात किया गया है और लगातार वो इसलिए एलएसी की निगरानी करते हुए जा रहे हैं। भारतीय विमानों और हेलीकॉप्टर्स की चुस्ती और फुर्ती ऐसी है कि चीन अब कोई भी हिमाकत करने की हिम्मत नहीं कर सकता। चीन ने एक बार गलती की लेकिन भारतीय फौज के तेवर देखकर उसे फौरन उल्टे पांव भागना पड़ा। भारतीय सेना की तैयारी इस समय लद्दाख के साथ साथ 3,488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपने अवैक रडार, सर्विलांस इक्विपमेंट और कॉम्बैट एयर पेट्रोल अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट से करवाना शुरू कर दिया है, जिसमें Su-30, मिराज, जैगुआर्स हैं। और यही वजह है कि जब चाइनीज पीएलए ने अपने हेलीकॉप्टर्स को रेकी के लिए फ्लाई किया तो उसके ठीक सामने Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट था, और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए अपने हेलीकॉप्टर्स को पीछे की तरफ ले गए। दरअसल लगातार भारतीय वायुसेना इस समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रही है तो भारतीय नौसेना अपने P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट से पूरी मैपिंग कर रही है ताकि चाइनीज पीएलए की हर एक हरकत को पूरी तरह से मॉनिटर किया जा सके। गलवान झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल भदौरिया ने लेह का दौरा किया, उसके बाद तैयारियों में अचानक तेजी आ गई। फॉरवर्ड पोजीशन को सिक्योर करने के लिए क्या क्या तैयार है उसे भी जान लीजिए। Su-30 MKI जो भारतीय वायुसेना का सबसे अचूक हथियार है। सुखोई का रेडार 300 किलोमीटर तक की निगरानी कर सकता है, यानी चीन पर नजर रखने के लिए इसे LSE पार करने की जरूरत नहीं है। ये पूरे अक्साई चिन और वेस्टर्न लद्दाख के आसमान पर नजर रख सकता है। मिराज 2000 जिसने करगिल की चोटियों को दुश्मनों से खाली कराया था, हाल ही में बालाकोट का ऑपरेशन भी इन्हीं मिराज विमानों ने किया था। जैगुआर फाइटर्स करगिल के ऑपरेशन विजय में इनका भी अहम रोल था। इन तीन वॉर मशीन्स के अलावा MiG-29 विमान पहले ही एडवांस पोजीशन पर तैनात हो चुके हैं और बेहद ही शॉर्ट नोटिस पर उड़ान भरने के लिए तैयार है। लद्दाख की फॉरवर्ड पोजीशंस पर भारतीय वायुसेना के विमान लगातार कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं और भारतीय वायुसेना पूरी तरह से किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि सॉर्टीज तो यहाँ पहले भी लगाई जाती थी लेकिन गलवान वैली में खूनी झड़प के बाद ये सॉर्टीज की जो तादाद है बढ़ा दी गई है। अब ले से गलवान वैली और पेंगोंग लेक के इलाके में भारतीय वायुसेना के विमानों की दहाड़ गूंजती है और पहाड़ों के बीच हमारे हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ईस्ट लद्दाख सेक्टर में सेना के किसी भी ऑपरेशन में मदद के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए गए हैं।
तोप और लाइटवेट टैंक जैसी मशीनों को भी पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचाने के लिए अमेरिका से खरीदे गए चिनूक हेलीकॉप्टर अब मिशन लद्दाख के पार्ट है। यानी चाइनीज आर्मी को समझ लेना चाहिए कि उसका कोई भी मिस एडवेंचर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना की इन तैयारियों को देखकर चीन की सांसें वैसे भी फूल रही होंगी, क्योंकि माउंटेन वॉरफेयर में भारतीय सेना का पलड़ा चीन से भारी है और इंडियन एयरफोर्स की ताकत के आगे वो कहीं नहीं टिकता। हमारे जो सुकोई 30 एमकेआई विमान है वो तैनात है नॉर्दर्न बेसिस में, मिराज 2000 को रखा गया है, जैगुआर्स को रखा गया और अब MiG-29 को तो आप देख ही रहे हैं। तो कहा जाता है कि जो हमारे विमान है वो चीन के विमान से क्यों बेहतर है। पहली बात, जो सुखोई 30 एमकेआई है, मिराज 2000 है, ये दोनों विमान ऑल वेदर में ऑपरेशन कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में, मौसम की परिस्थिति में ये अपना काम कर सकते हैं, ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। वहीं चीन में कौन कौन से विमान यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो अभी तक खबर आई है, उसके हिसाब से J-7, J-10, J-11 और J-20। J-20 उनका स्टिल्थ फाइटर है, हालांकि अभी तक कहा जाता है कि वो प्रूव नहीं है कि कितना बेहतर है या फिर उस एक्शन में कभी गया नहीं, उनके कोई विमान भी आज तक एक्शन में नहीं गए हैं, हालांकि उन्होंने Su-27 भी यहां पर तैनात किया है। अब बात करते हैं उनके जो सभी विमान है उनमें से सिर्फ एक विमान है जो ऑल वेदर में ऑपरेशन में काम करता है, वो हो गया है J-10। तो J-10 को छोड़ दें तो बाकी कोई विमान ऑल वेदर में काम नहीं कर सकता। हमारे दो विमान है जो ऑल वेदर में काम कर सकते हैं। युद्ध कौशल और टैक्टिक्स से जीते जाते हैं। गलवान में चाइनीज आर्मी ने घोड़की देने की कोशिश की थी, बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बगैर गोली चलाए उसे पीछे खदेड़ दिया। अब तो सेना की तैयारी भी पूरी है और सरकार से खुली छूट भी मिल गई है। इस बीच लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच जवानों की योग करने वाली तस्वीरें सामने आई। जिस जगह पर चाइनीज आर्मी के साथ आमना सामना है उसी लद्दाख में ITBP के जवानों ने इस तरह से योग किया। ₹18,000 की ऊंचाई पर बर्फ के बीच ITBP के जवानों ने अनुलोम विलोम करके अपने फेफड़ों को मजबूत किया। ये योग न सिर्फ उनको निरोग रखता है बल्कि युद्ध में जीत का जज्बा भी भरता है। तो LAC पर भारत चीन के बीच टेंशन जारी है, सेनाएं आमने सामने हैं, मीटिंग चल रही है, अलर्ट मोड में है सेनाएं। और इसी बीच लेह से आज सुखोई फाइटर जेट ने भी उड़ान भरी है। ये देख रहे हैं आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट की तस्वीरें, जिसने लेह से उड़ान भरी है। 2100 से ज्यादा की टॉप स्पीड इसकी है, 3000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है और सबसे खास बात, सुखोई मेड इन इंडिया प्लेन है। चीन के साथ टेंशन के बीच आर्मी चीफ का क्या है लेह लद्दाख प्लान, बताएंगे आपको पूरी खबर, पूरा प्लान एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले